आपने मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी की बातों को सुना होगा, उनकी नीतियों पर ध्यान दिया होगा कि सरकार का मानना है कि अगर लड़कियां शिक्षित होंगी, लड़कियां समाज में आगे बढ़ेंगी तो समाज ज़्यादा कारगर ढंग से सुधरेगा, समाज शिक्षित होगा। कहा जाता है लड़की शिक्षित होती है तो परिवार शिक्षित हो जाता है, तो ये तो शुभ सूचक है भविष्य में, ये भविष्य के लिए शुभ संकेत है, इसलिए ये सभी बिहार वासियों को उत्साहित करने वाला नतीजा है। छात्र नाराज है कि उनको इंस्टीट्यूट बंद कर दिया गया है और कह रहे हैं तो हम बता दिए ना, हम अभी बताए, इस यही ना बताए कि हमको पता है, सरकार को पता है, छात्र चाहते हैं स्कूल जाना, इंस्टीट्यूट जाना, सरकार चाहती है विद्यालय खोलना, से विभाग चाहता है, इसीलिए हम लोग खोलना चाह रहे थे, हमें पता है इस बात की। लेकिन अब यहाँ विकल्प दो है कि जान को जोखिम में डाल के हम लोग विद्यालय खोलें या कुछ दिन इंतजार करके जान को भी सुरक्षित रखें, फिर पढ़ाई की बात आगे, अब पिछले साल नहीं पढ़ाई हुई थी तो उसको मेकअप करने के लिए हम लोगों ने क्या छप कोर्स की भी व्यवस्था की थी। लेकिन अब ये दुखदाई स्थिति, और ये स्थिति ऐसी है कि सब लोग जानते हैं कि बिहार छोड़िए पूरा देश और पूरी दुनिया परेशान है, इसका कोई निराकरण नहीं दिख रहा है, तो इसलिए ये तो सबको गंभीरता से इस समस्या की संवेदनशीलता को समझते हुए इस सिचुएशन, इस परिस्थिति से निकलने के लिए धैर्य से काम लेना चाहिए। एक और क्वेश्चन बोल देंगे, टॉप में कितने बच्चे हैं, सेकंड टॉप में कितने हैं? तो देखिए दोस्तों, आप लोगों ने सुना इस ऑडियो क्लिप के माध्यम से जिस प्रकार से शिक्षा मंत्री ने विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की, आपको सभी को ज्ञात है कि 165 ऐसे विद्यालय हैं जहां पर एक भी विद्यार्थी फर्स्ट क्लास से पास नहीं हुआ है, इसे देखते हुए। और दूसरी ओर जो विद्यालयों को बंद करने का फैसला लिया जा रहा है उसे लेकर शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद के नारों से गूंज चुका है बिहार। और अभ्यर्थियों की अब तो ये अभी तक तो देखिए शिक्षक मांग कर रहे थे कि भाई उनकी नियुक्ति विद्यालयों में की जाए, लेकिन अब कहीं ना कहीं जो है अब कहीं ना कहीं छात्र भी मांग कर रहे हैं कि उनकी उनके लिए शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। दूसरी ओर हम ब्लाइंड केस फेडरेशन की बात करें तो आप खुद वकील साहब के जवानी सुन सकते हैं कि भाई नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड केस में क्या कुछ हो रहा है और कब तक जो है इसे लेकर अपडेट आएगी, तो ये भी आप सुन सकते हैं खुद इनकी जुबानी। ठीक है, तो ये मैं आपको सुना देता हूँ, फेडरेशन वाला केस अभ्यर्थियों की बात हुई है और आप सुन लीजिए कि क्या कुछ कहा जा रहा है। तो चलिए मैं ऑडियो क्लिप डालता हूँ, आप सुनिए कि क्या कुछ है। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, हम गया बिहार से बोल रहे हैं सर। हाँ, रोंगटा से बोल रहे हैं ना? हाँ बोल रहा हूँ। हाँ सर, वो ब्लैंक केस वाला क्या हुआ सर, हम लोगों का 94,000। आपको आप लोगों को सरकार ने कहा था ना 500 लग रहा है, कहीं नहीं लग रहा, मैं क्या करूँ? थोड़ा देख लीजिए, सरकार तो नींद से सोया है सर। मैं अकेले क्या कर सकता हूँ, है नहीं? आप तो बहुत मेहरबानी होता सर, आगे पीछे करके आप ही लगे बैंक के कुछ नहीं कर सकता, मेरा एडवोकेट दिया है 500। ठीक है, 500 कंफर्म सेंशन करेगा, मानेगा सी ठीक है, मानेगा तो मैं क्या करूँगा बताओ, जब दूसरी साइड से आ नहीं रहा तो हम क्या करें? जी आप बिल्कुल, जिसको लड़ना वो तो फेस कर ही नहीं रहा, तो बताओ क्या करें बताओ। हम लोग ऐसे ही दम 2 साल से पड़े हैं, हम भेजेंगे आपको अपना, आप कंफर्म भेजिएगा, मैं अपने अपने दस्तक से एप्लीकेशन लगा के भेज रहा हूँ।
वही आपसे मेहरबानी होती कि थोड़ा सा अलग भी। देखो मैं तुम्हें को आश्वासन नहीं कर, मेरा प्रयास जी नहीं कहते, आप भी समझिए बोर्ड का जो प्रोसीजर है उसको मैं बात बात तो कर नहीं सकता। जी हाँ बिल्कुल सही बात है, जो कोर्ट का मामला वो तो कैसे करेगा सरकार, वहाँ सुनने वाला सर सरकार का तो मेंशन नहीं किया फाइल को सर, वहाँ वहाँ का तो मेंशन नहीं किया 5 तारीख को सरकार ना, कुछ नहीं मेंशन किया था हमने तो उसी दिन बता दिया था आपको लोगों को, कुछ नहीं मेंशन किया है, झूठ बोल रहा है खाली। अगर मेंशन किया होता एक बार होता उन्होंने कहा ना अलाउ हुआ है। जी हाँ मेंशन किया हुआ जी हाँ, विधानसभा में 193 क्यों आ जाती। जी हाँ 193 पे लिस्टेड है सर, पहले 83 तक आ रही थी पता है। जी हाँ अभी और नीचे हो गए, अब विधानसभा में भी आश्वासन थे कि झूठ बोला है, विधानसभा में एकदम सीधा सीधा झूठ बोला। हाँ ये विश्व का झूठा मंत्री है, ये मिच्छा मंत्री ऐसे ही है, झूठा नहीं है सारे वहाँ सरकार इस देश में ऐसी चल रही है कुछ भी कर सकते। सही बात है, किसी को अपनी जिम्मेदारी का एहसास है नहीं। नहीं नहीं बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा क्या करे नहीं करे, बहुत सारा बच्चा तो ऐसा है 94 का शिक्षक जो नहीं होगा बाल भी बाद में कहाँ कर लेगा, क्या करेंगे, बहुत सारे बच्चा ऐसा करे तो आखिर क्या करे, मजबूर हो चुका है। हमारे हाथ में कुछ नहीं है ना दोस्त। जी हाँ सर आपका बात हम समझ रहे हैं, आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा हमने अपना रिटर्न सबमिशन भी फाइल कर दिया है, हमने लिखित बहस भी फाइल कर दी है। जी सर अब इससे क्या करेंगे तो? सही बात है आपकी तरफ से सारा चीज तो होया हुआ है सर, उधर से जाए तब तो सर, लेकिन ऐसा कुछ डर नहीं रहा शिक्षा मंत्री। हम तो एक दिन कोरोना के दौरान भी व्यक्त लेकर आ भी गए थे सुनवाई के लिए। अच्छा मुझे लेडी ने भी गई। जी हाँ क्या करेंगे, वही तो समझ में नहीं आता, हम लोग इतना एकदम माइंडली डिस्टर्ब हो चुके हैं ना कि क्या। देखो शहर को बात करना, 5 कोशिश है ना भाई। जी हाँ सर मुझे फिक्स कराने की, शहर को बात करना ठीक है सर ठीक। बाकी शिक्षा मंत्री को कहो भी आपने बोला था क्या हुआ बताओ जरा। ये विश्व का झूठा मंत्री में आखिर उसको बल गिनीज बुक रिकॉर्ड किया था क्या, इसमें बोलो होली के बाद बोलो, होली तब तक कोई तुम्हें मिलेगा नहीं। ठीक है सर होली मनाइए, हैप्पी होली मेरे तरफ से। थैंक यू ठीक है सर। आप चिंता नहीं करो, मेरा जितना प्रयास हो सकता है जो कुछ भी मुझसे हो सकता है। जी हाँ मेरा भी त्यौहार है सर, मुझे भी आप लोगों की पीड़ा है। तो देखिए दोस्तों ये ऑडियो क्लिप है 5 अप्रैल की जो सुनवाई होनी थी ब्रांड केस पे, उससे पहले की ऑडियो क्लिप है। आप सोच सकते हैं कि शिक्षा विभाग ने कितनी बड़ी धोखेदारी की है, अभ्यर्थियों के साथ धोखेबाजी की है, क्योंकि जो 5 तारीख को ब्रांड केस का जो मेंशनिंग होनी थी वो नहीं किया शिक्षा मंत्री ने, जबकि शिक्षा मंत्री ने दावा किया था। इसकी पूरी हकीकत जो है वो वकील साहब ने खोल दी, उन्होंने कहा कि हम तो अपनी तरफ से पूरा तैयार हैं, लेकिन जब ये लोग ही नहीं चाहते हैं तो किस तरीके से जो है आगे की प्रक्रिया संपन्न होगी। वहीं शिक्षा मंत्री का विरोध जो है वो बढ़ता जा रहा है।